अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरूप निसार है एंड टुडे माय प्रोजेक्ट टॉपिक इज स्टॉप वॉच यूजिंग सी प्लस प्लस। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज बेस्ड ऑन द स्टॉप वॉच विद सी प्लस प्लस। इसमें हमारे पास क्या क्या फंक्शंस इंक्लूड होंगे हम प्रोजेक्ट में, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। हमारे पास एक स्टॉप वॉच होगी बेसिकली, जिसमें हम उसको एक काउंट डाउन की तरह से होगा वो उसको स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स में इस तरह से टाइम जो है वो काउंट डाउन की सूरत में हमारे पास चलता रहेगा। स्टॉप वॉच क्यों इस्तेमाल होती है? ये एक टाइम पीस होता है जो कि मैयर करने के लिए यूज होता है। टाइम को हम किसी ड्यूरेशन के दौरान का टाइम मैयर करने के लिए स्टॉप वॉच को यूज करते हैं। और सी प्लस प्लस में उसकी कोडिंग किस तरह से होगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें सी प्लस प्लस कंपाइलर, टेक्स्ट एडिटर और सी प्लस प्लस के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, तभी हम अपना प्रोजेक्ट जो है बना सकते हैं सही तरीके से। अब स्टॉप वॉच में हमारे पास हम इसकी कोडिंग देख लेते हैं। हमारे पास इसका स्टॉप सबसे पहले हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम जो कि एक बेसिक है सी प्लस प्लस, कोई भी हमारे पास बनाने के लिए हेडर फाइल यूज होती है। कॉनियो डॉट एच हमारे पास एक हेडर फाइल है जो कि हमारे पास गेट सी एच जो है हम उसमें फंक्शन होते हैं तो उसके लिए यूज करना जरूरी है। एंड विंडोज डॉट एच जो कि कुछ हमने यूज करने होता है क्लियर स्क्रीन वगैरह का फंक्शन तो उसके लिए यूज करते हैं। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ये भी हमारे पास एक मस्ट है कि हम कोई भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें हम लोगों को ये लिखना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास इंट मेन हमारी बॉडी स्टार्ट हो गई है जिसमें हमने सिस्टम सी एल एस किया, यानी कि जब भी हमारे पास कोई भी हमारे पास प्रोग्राम की आउटपुट शो होगी तो पहले वो स्क्रीन को क्लियर कर देगा। सी एल एस का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन कर देना। फिर हमने एच एम और एस के नाम से तीन जो है इंटीजर डाटा वेरिएबल्स ले लिए हैं और उनको हमने जीरो वैल्यू स्टार्ट में इनिशलाइज भी कर दी है, साथ में स्टार्टिंग वैल्यू उनकी जीरो रख दी है। हमने कहा कि प्रेस एनी की टू स्टार्ट स्टॉप वॉच काउंट डाउन टाइमर एच एम एस और वो हमारे पास स्टार्टिंग द इनिशियल जीरो मिनट आर जीरो मिनट एंड जीरो सेकेंड हमारे पास शो करवा देगा। नेक्स्ट हमारे पास हम लोग अपनी कंडीशंस पे आ जाएंगे कि उन्होंने कहा कि हमारे पास कंडीशन स्टार्ट हुई है उसमें हमारे पास एस प्लस प्लस एस में इंक्रीमेंट करेगा और एस की वैल्यू जब तक हमारे पास 59 तक नहीं पहुंच जाएगी तब तक वो एस में ही इंक्रीमेंट करता रहेगा 1 2 3 4 और जब वो 59 के बाद 60 तक पहुंचने लगेगी तो वो मिनट्स में जो है अब इंक्रीमेंट करना स्टार्ट हो जाएगा। वो मिनट्स में इंक्रीमेंट करेगा एम प्लस प्लस एस इक्वल टू जीरो था, इफ एम ग्रेटर देन 59 एच प्लस प्लस कर देगा वो आर्स में इंक्रीमेंट कर देगा। फिर हमारे पास ऐसे ही मिनट्स इंक्रीमेंट होते रहेंगे, आर्स में इंक्रीमेंट होता रहेगा, मिनट्स इंक्रीमेंट होंगे फिर से वो सेकेंड्स में जाए, सेकेंड्स मिनट्स में एक बार इंक्रीमेंट होगा वो सेकेंड्स में इंक्रीमेंट करता रहेगा, सेकंड में फिर से हुआ फिर वो मिनट्स में करता रहेगा और ऐसे जब मिनट्स 59 तक पहुंच जाएंगे तो फिर वो आवर्स पे जाएगा। आवर्स में ऐसे हमारे पास जितनी देर हम चाहें ये लूप चलती रहेगी, हमारी कंडीशन चलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फिर हमारा सिस्टम सी एल एस हमने कहा कि ये हमारे पास अब नेक्स्ट शो करवाएगा कि काउंट डाउन है हमारे पास वो जो हमारी जो सारी कुछ चल रही होगी सेकंड्स में इंक्रीमेंट, मिनट्स में इंक्रीमेंट, आवर्स में इंक्रीमेंट वो सारा हमें शो करवाता रहेगा। फिर हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो वहां पे उसको वो स्टॉप कर देगा और हमें फाइनल जो हमने काउंट किया होगा टाइम उसको हमें शो करवा देगा और हमारा जो है आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स के थ्रू जो है हमारा शो हो जाएगा। अब हम इसको रन करके देखेंगे। सिंपल सा हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमने सिंपल अपना काउंटडाउन चलाया है और इसमें कोई बेसिक टर्म्स यूज नहीं हुई। हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरीके से आई कि प्रेस एनी की टू स्टार्ट। अब उन्होंने स्टॉपवॉच काउंटडाउन टाइमर लिख दिया है, एच मींस आवर्स, एम मींस मिनट्स एंड एस मींस सेकंड, 0 0 0 से ये इनिशियलाइज स्टार्ट हुए जो कि हमने उनको स्टार्टिंग में इनिशियलाइज किया था, स्टार्टिंग वैल्यू 0 इसकी स्टार्ट की थी। हम कोई भी की प्रेस कर देते हैं, फर्ज करें हम लोग एंटर हम लोगों ने प्रेस कर दिया तो हमारे पास काउंट डाउन टाइमर ऐसे स्टार्ट हो गया। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले सेकंड्स हमारे पास स्टार्ट हुए हैं, सेकंड्स हमारे पास इंक्रीमेंट चलता जा रहा है, 8 आया, 9 आया, 10 आया, 11 आया, ऐसे ये इंक्रीमेंट हमारे पास होता रहेगा ये 59 पे पहुंच जाएगा तो वो हमारे पास मिनट्स में शिफ्ट हो जाएगा, वो मिनट्स में जो है इंक्रीमेंट एक करेगा और फिर से अपने सेकेंड्स जो टाइमर है वो स्टार्ट कर देगा 1 2 3 और अप टू सो ऑन, वो 59 तक फिर से चलेगा और फिर से मिनट्स में होगा।
ऐसे ही वो मिनट्स और सेकंड्स में चलता रहेगा, और हमारे पास मिनट्स के बाद जब मिनट्स 59 कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर वो आएगा हमारे पास आवर्स में। आवर्स में आने के बाद वो मिनट्स को जीरो कर देगा, सेकंड्स को भी जीरो कर देगा, और आवर में वो वन डाल देगा। और फिर ऐसे ही फिर से जैसे हमारे पास वन आवर तक का सफर हुआ था, इसका लूप चली, इसकी कंडीशन चली थी, ऐसे ही फिर से इसकी कंडीशन चलेगी और वो फिर ऐसे टू आवर्स कर देगा, और हम इसको जितनी देर तक चाहें इसको कर सकते हैं। जब तक हम कोई भी इस पे की प्रेस ना कर दें ये हमारे पास चलती रहेगी कंडीशन। अब देखें 58, 59 पे आया और अब ये इसने मिनट्स पे ट्रांसफर कर दिया, मिनट्स वन हो गए और सेकंड्स फिर से जीरो से स्टार्ट हुए। जीरो से स्टार्ट होने के बाद अब ये फिर से सेकंड्स में इंक्रीमेंट कर रहा है, और ऐसे ही मिनट्स में इंक्रीमेंट होगा, और जब मिनट्स 59 तक पहुंच जाएंगे तो फिर वो आवर्स में इंक्रीमेंट कर देगा। अब इसको स्टॉप करने के लिए हम कोई भी की प्रेस कर देंगे, कोई भी की प्रेस करने से हम चाहे कीबोर्ड पे हमारे पास इतनी कीज है, हम इसमें से कुछ भी प्रेस कर दें तो फिर हमारे पास वो स्टॉप हो जाएगा। और स्टॉप होने के बाद उन्होंने नीचे लिख दिया है द टाइम आफ्टर पॉजिंग इज 0, 1 and 22। 0 hours, 1 minute and 22 seconds हमने इतनी देर अपना काउंट डाउन जो है स्टार्ट रखा है। ये हमारे पास प्रोजेक्ट था एक स्मॉल सा C++ पे, हमने स्मॉल बेसिक जो हमारे पास हमने यूज की और इसके थ्रू जो है हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया। होप सो आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। ये हमारा प्रोजेक्ट था C++ पे स्टॉपवॉच के हवाले से।